नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564509906089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivil है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज चंद्रवर्धन एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स। दोस्तों, बीपीएससी पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोग बिहार स्पेशल का पार्ट वन देख चुके थे। आज हम लोग बिहार स्पेशल का पार्ट टू देखने वाले हैं, ठीक है। इसमें भी हम लोग 70-75 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले ये हमारा पेड ग्रुप है, यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और जरूर जुड़िए हमारे साथ, ठीक है। ये कुछ आपके प्रीवियस स्लाइड्स हैं जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन क्या है, ठीक है। हम लोगों ने कहां तक डिस्कस कर लिया था, 71 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। चलिए आज 72 नंबर से स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। संसार का सर्वोत्तम खनिज अवरत प्राप्त होता है, द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ मिनरल माइका इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, धनबाद, हजारीबाग, छड़िया या फिर उल्टी, कहां से प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और सही ऑप्शन को चुनना है 1 and 2, केवल 2, 2 and 3 और 2 और 4। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा आपका बी, मतलब केवल 2, केवल हजारीबाग से प्राप्त होता है ये अवरक, ठीक है। पहले तो झारखंड बिहार में ही हुआ करता था, तो बिहार को कहा जाता था अवरक, सबसे ज्यादा बिहार से प्राप्त होता था, लेकिन अब जो है वो झारखंड से प्राप्त होता है हजारीबाग से, ठीक है। चलिए, बिहार की सिंचाई क्षमता पूछी जा रही है। द इरिगेशन पोटेंशियल ऑफ बिहार इज 89.20 लाख हेक्टेयर, 90.30 लाख हेक्टेयर, 91.64 लाख हेक्टेयर या फिर 92.11 लाख हेक्टेयर। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो दिए हुए हैं, देखते हैं सही ऑप्शन क्या है। सही है हमारा सी, मतलब 91.64 लाख हेक्टेयर। ये तब की बात है जब बिहार और झारखंड संयुक्त हुआ करता था। अब की बात करें जो लेटेस्ट आंकड़ा है केवल बिहार का, उसकी अगर बात करें तो ये आंकड़ा है आपका 54.35 लाख हेक्टेयर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। चलिए, आंसर वैसे सही यही होगा सी, उस समय के हिसाब से, लेकिन अभी जो है ये है लेटेस्ट है जो कि आपको याद रखना है। चलिए, बिहार की फसल घनत्व लगभग है, द इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग ऑफ बिहार इज अबाउट 108%, 118%, 128% या फिर 138%। फसल घनत्व जो है ये भी उसी समय जब क्वेश्चन पूछा जा रहा था उस समय की बात है, उस समय जो आंसर उस समय के हिसाब से होगा वो होगा 138%। अभी की यदि बात करें, जो लेटेस्ट आंकड़ा है उसकी बात करें तो 144% हो जाएगा, ठीक है। तो आपको 144% याद रखना है बिहार की फसल सघनता या फिर बिहार का फसल घनत्व, इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग। नेक्स्ट, बिहार की कृषि का स्वरूप क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ बिहार इज अबाउट, जीवन निर्वाह, व्यावसायिक, निर्यात उन्मुख या फिर आत्मनिर्भर, मतलब सब्सिस्टेंस, कॉमर्शियल, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड या फिर सेल्फ सफिशिएंट, केवल 1, 2 और 3, केवल 2 या फिर केवल 4। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आंसर जो होगा वो होगा आपका जीवन निर्वाह, केवल 1, मतलब बिहार का जो कृषि का स्वरूप है वह जीवन निर्वाह के लिए उपयोगी है, ठीक है। मतलब बिहार की अधिकतर जनसंख्या जो है वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि और सहवर्ती क्षेत्रों से जुड़ी हुई है, कहने का मतलब यही है। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 के युद्ध से बिहार के कई शहर प्रभावित हुए, बिहार के शहरों के सही अनुक्रम का चयन करें जहां आंदोलन कालानुक्रमिक रूप से फैल गया, द वार ऑफ 1857 इंपैक्टेड मेनी सिटीज ऑफ बिहार, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सिटीज ऑफ बिहार वेयर मूवमेंट इरप्टेड क्रोनोलॉजिकली, पटना, मुजफ्फरपुर, रोहिणी, जगदीशपुर, इसी में से चुनना है कि सही क्रम क्या है, ठीक है। तो यदि यहाँ पर बात करें हम लोग सही क्रम की तो आंसर हो जाएगा आपका बी, सबसे पहले रोहिणी में हुआ, फिर पटना में हुआ, फिर मुजफ्फरपुर में और फिर हुआ जगदीशपुर में, ठीक है। तो ये क्रम जरूर याद रखिएगा, हो सकता है आगे भी पूछ दिया जाए। आगे, जनजाति का नाम जिसने मानव बलिदान परंपरा को प्रतिबंधित करने के अंग्रेजी प्रयास के खिलाफ विद्रोह किया, कुकी, खोंड, पोराव या फिर नेहटा, नेम द ट्राइब हु रिवोल्टेड अगेंस्ट द इंग्लिश एफर्ट टू प्रोहिबिट ह्यूमन सैक्रिफाइस ट्रेडिशन। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आंदोलन से संबंधित, तो यहां पर यदि हम लोग देखें आंसर क्या हो जाएगा, खोंड, खोंड जनजाति ने यह विद्रोह किया था, कब किया था, 1837 से 1856 में किया था, और इस समय नर बलि प्रथा दी जाती थी जिस पर अंग्रेजों ने रोक लगा दिया था, उसी के खिलाफ ये आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। और खास करके ये जो है
मोरिया, नर वाली प्रथा जो थी उसको मोरिया कहा जाता था, ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। और यह जो आंदोलन चला था, खोंड लोगों का जो आंदोलन चला था, ये आपका तमिलनाडु में, तमिलनाडु, फिर आपका बंगाल में, बंगाल में और मध्य भारत में चला था, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे, हु वाज द गुरु ऑफ बिरसा मुंडा, स्वामी सहजानंद, आनंद पांडे, जत्रा भगत या फिर एम एन रॉय। आंसर क्या हो जाएगा, स्वामी सहजानंद तो होगा नहीं, आंसर हो जाएगा आनंद पांडे। जी हाँ, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे, आनंद पांडे थे, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1855-56 में संथालों ने किस क्षेत्र में अपनी सरकार की घोषणा की थी, इन विच रीजन वेयर वर संथाल्स हैड अनाउंस्ड देयर ओन गवर्नमेंट इन 1855-56, मुंगेर, भागलपुर, भागलपुर राजमहल, गया मुंगेर, शाहबाद गया। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भागलपुर राजमहल, भागलपुर राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में, ये संथाल परगना क्षेत्र कहते हैं इसको, संथाल परगना क्षेत्र, और साथ में इसको और क्या कहा जाता है, दामन, दामन ए कोह कहा जाता है, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, दामन ए कोह कहा जाता है। यहीं पर भागलपुर एवं राजमहल की पहाड़ियों के बीच या फिर आसपास का क्षेत्र है ये दामन ए कोह, ठीक है। यहीं पर संथाल विद्रोह हुआ था 55-56 में, और इसका नेतृत्व किया था चार भाइयों ने, नाम क्या था, सिद्धू, कान्हू, सिंधू, कान्हू, चांद और भैरव, चांद और भैरव, ठीक है, तो याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, 1830 के दशक में पटना एक केंद्र था, इन डिकेड ऑफ 1830 पटना वाज अ सेंटर ऑफ, सन्यासी विद्रोह का, गडकरी विद्रोह का, मुंडा विद्रोह का या फिर बहावी आंदोलन का। 1830 के दशक में पटना किस चीज का ये केंद्र था, यह पूछा जा रहा है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहां पर हो जाएगा बहावी आंदोलन का। जी हाँ, बहावी आंदोलन का केंद्र बन गया था पटना, ठीक है। और यह जो बहावी आंदोलन चलाया गया था, यह किसके नेतृत्व तो खैर छोड़ दीजिए, लेकिन यह जो बहाव, नाम क्या था इनका, इमाम, इमाम मोहम्मद, इमाम मोहम्मद बिन, पूरा नाम मैं बता रहा हूं, अब्दुल, अब्दुल बहाव, ठीक है, यही थे बहावी आंदोलन के प्रणेता थे, एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। और 1822 से 1868 तक यह चला था, ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्षेत्र को चुने जहां बिहार का 1867-67 का इंडिगो किसान विद्रोह हुआ था, सेलेक्ट द रीजन वेयर इंडिगो पिंजांट रिवोल्ट ऑफ 1866-67 और बिहार हैड टेकन प्लेस, मुजफ्फरपुर और छपरा, मधुबनी और बेगूसराय, दरभंगा और चंपारण, चंपारण और मुजफ्फरपुर। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा चंपारण और मुजफ्फरपुर, चंपारण और मुजफ्फरपुर में। और साथ में यदि हम लोग देखें, ढंग से देखें तो बंगाल के नादिया जिले से यह शुरू हुआ था, बंगाल के नादिया जिले से यह शुरू हुआ था, और इसके जो नेतृत्व करता थे वो थे विष्णु एवं दिगंबर, विष्णु एवं दिगंबर विश्वास, ठीक है, इनके नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू हुआ था, जो किसान नील आंदोलन था, ठीक है। और इसकी चर्चा जो है वो नील दर्पण नामक समाचार पत्र में की गई थी, ठीक है, किसके द्वारा, दीन बंधु मित्र के द्वारा, ठीक है। तो ये सब पॉइंट जो है आपको याद रखना चाहिए, वैसे मैं इतिहास वाले में पहले बता चुका हूं लेकिन फिर से रिवाइज हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, विनियमन अधिनियम के प्रावधान के अनुसार बिहार में एक प्रांतीय समिति का गठन कब हुआ, अ प्रोविंशियल कमिटी फॉर्म्ड इन बिहार एज पर प्रोविजन ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1772, 1774, 1776, 1778। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, 1773 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, तो 1774 में यह प्रांतीय समिति का गठन बिहार में किया गया था, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज कंस्टिट्यूटेड इन 1930, 1931, 1934 या फिर 1939। जस्ट पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में, और यह जो है 1934 में स्थापित हुआ था, कब, 17 मई 1934 को यह स्थापित हुआ था, और इसके सचिव कौन थे, जयप्रकाश नारायण जो थे वो इसके सचिव थे, ठीक है, याद रखिएगा, अध्यक्ष थे, मतलब उन्होंने ही स्थापना की थी बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का, गठन किया था उन्होंने, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, बिहार से संसद के कितने सदस्य केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल हैं, 3, 5, 7, इनमें से कोई भी नहीं। तो ये जो है आपका उस समय के हिसाब से पूछा जा रहा है, तो उस समय के हिसाब से यदि देखें तो यहाँ पर ऑप्शन होता सी 7, लेकिन अब जो है, अब यहाँ पर 6 है टोटल, ठीक है,
अब यहाँ पर चाहे जहां तक मैंने देखा है, वैसे इसका कंफर्म आंसर मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि अलग अलग इंटरनेट पर अलग अलग चीजें दी जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो है 6 टोटल होना चाहिए जो मोस्ट प्रोबेबली है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा? बिहार के राज्यपाल, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्य न्यायाधीश, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? हु विल प्रिसाइड ओवर द प्रपोज्ड वुमेन कमीशन इन इंडिया? वैसे इसकी स्थापना हो चुकी है, ये बहुत पहले का क्वेश्चन है इसलिए ऐसा पूछा जा रहा है। गवर्नर ऑफ बिहार, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, चीफ जस्टिस ऑफ बिहार, या फिर नन ऑफ द एबव? आंसर क्या हो जाएगा? यह जो है आपका डी आंसर हो जाएगा, नन ऑफ द एबव कह सकते हैं इसमें। क्यों? क्योंकि 1993 में इसकी स्थापना हो चुकी है, जो वुमेन कमीशन ऑफ बिहार है इसकी स्थापना हो चुकी है। यह जो है एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, ठीक है, स्टैच्यूटरी बॉडी है मतलब कि वैधानिक निकाय है, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष, इसकी जो अध्यक्षा है वो है चेयरपर्सन कह सकते हैं दिलमणि मिश्रा, ठीक है, ये है वर्तमान अध्यक्ष। और इनके अलावा 4 और सदस्य इसमें शामिल हैं, जिनका कार्यकाल कितने साल का होता है? 3 साल का होता है। सदस्यों का और अध्यक्ष का कार्यकाल सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 3 साल होता है, ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है? What is the ratio of rural urban population in Bihar? 40-60, 20-80, 50-50 या फिर 18-20? देखिए, ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा होगी, शहरी जनसंख्या कम होगी, ये बात तो श्योर है। तो ये ऑप्शन कट गया आपका, ठीक है, ये भी ऑप्शन कट गया आपका, 50-50 होगा नहीं। आंसर क्या बचा? 80-20, ठीक है, यही सही आंसर हो जाएगा, 80-20, ठीक, याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते। अच्छा, थोड़ा सा और इसके बारे में बता दूं, ग्रामीण जनसंख्या जो है आपकी, ग्रामीण जनसंख्या जो है वो बिहार में है 743,16,709, ठीक है, याद रखिएगा। और शहरी जनसंख्या की बात करें तो ये जो है आपका 86,81,800, ठीक है, ये जो है आपका कितना परसेंटेज बनता है? ये बनता है आपका 88.7%, ठीक है। और ये शहरी जनसंख्या जो है ये बनता है आपका 11.29%, ठीक, याद रखिएगा। तो यहाँ पर 80-20 कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली यदि पूछा जाए तो 88-12 कह सकते हैं आप, ठीक है, या फिर 89-11 कह सकते हैं, ठीक है। टोटल जनसंख्या की बात करें तो ये है आपका 10,40,99,452, ठीक है, ये है टोटल जनसंख्या। तो ये टोटल मैंने बताया आपको 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए आगे देख लेते हैं, 1995 के अंत में बिहार में जिलों की संख्या क्या थी? तो ये कब का क्वेश्चन है आप सोच सकते हैं, 55, 52, 50, ये जो है आपका जब बिहार झारखंड संयुक्त था तब की बात की जा रही है। तो उस समय जो था आपका 55 जिला हुआ करता था, अभी कितना जिला है? 38 जिला है, ठीक है, अभी कितना जिला है? 38 जिला है। और 38वां जिला कौन सा है? अरवल है। ये भी पूछा जा सकता है कि बिहार का सबसे नया जो जिला है वो कौन सा है? अरवल। पहले जो है आपका जहानाबाद में आता था, पहले कहां आता था? जहानाबाद में आता था। तो जहानाबाद से अलग हटा करके इसको 2001 में अलग जिला का दर्जा दिया, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, पटना एक प्रांतीय राजधानी के रूप में बसाया गया था, पटना एज ए प्रोविंशियल कैपिटल वाज मेड बाय? इसके द्वारा, शेर शाह के द्वारा, अलाउद्दीन हुसैन खान के द्वारा, इब्राहिम लोदी के द्वारा, या फिर राजकुमार अजीम के द्वारा? तो यहां पर क्या हो जाएगा? शेर शाह के द्वारा। जी हाँ, शेर शाह के द्वारा इसको 1541 में पटना को प्रोविंशियल राजधानी के रूप में बसाया गया था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, 17वीं शताब्दी में बिहार का स्वर्ण खनन कहाँ स्थित था? खनन नहीं, यहाँ पे खान होना चाहिए, माइन होना चाहिए। वेयर वाज द गोल्ड माइन ऑफ बिहार सिचुएटेड इन द 17th century? ये बहुत पहले की बात की जा रही है, चंपारण, पटना, सासाराम, या फिर झारखंड, कहाँ पर हुआ करता था ये पूछा जा रहा है, कब? 17वीं शताब्दी में, मतलब इतिहास की बात है, ये इतिहास का क्वेश्चन एक तरह से कह सकते हैं। तो यह था पटना में, ठीक है, पटना में स्वर्ण खनन हुआ करता था, अब नहीं है, अब बिल्कुल नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार बिहार की स्थिति है, मतलब 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? अकॉर्डिंग टू 2011 पॉपुलेशन डेंसिटी पोजिशन ऑफ बिहार इज, भारत में पहला, भारत में दूसरा, भारत में तीसरा, या फिर भारत में चौथा? तो 2011 के अनुसार पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब लेटेस्ट वाला पूछा जा रहा है। और यदि यहाँ बात करें तो यह हो जाएगा भारत में दूसरा, भारत में दूसरा हो जाएगा। और भी कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक। ये जो है उस समय की बात थी, अब जो है ये पहला हो गया है, ठीक है, अब जो है ये पहला हो गया है। देखते हैं यहाँ पर, वेस्ट, इसके बाद जो आता है वो आता है आपका वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल जो है 1029। ये जो आंसर दे रहा हूं मैं, ये दूसरा कब था?
ये जो था बहुत पहले था, ठीक है। अभी जो है वो आपका 1106 पहला हो गया है, ठीक है। अभी जो है ये पहला हो गया है, ठीक। यहां पर यदि देखें तो बिहार की यदि बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है, सबसे ज्यादा जो है आपका जनसंख्या घनत्व वो किस जिले में है, ये है आपका शिवहर में। ये है सर्वाधिक जो है वो है आपका शिवहर में, कितना 1880। और सबसे कम जो है, सबसे कम कहां पर है, कैमूर में, कैमूर में है। ये है आपका कितना 488। तो ये सब चीजें याद रखिएगा, ठीक है। और यदि देखें तो अच्छा, ये जो है आपका पहला जो है वो राज्यों में है। अब की यदि बात करें तो केवल राज्यों की बात करें तो पहला है, ठीक है। और इसमें अगर यूटी भी मिला दे, राज्य प्लस यूटी मिला दे, तो टोटल मिलाकर सिक्स्थ प्लेस पर आता है, ठीक है। क्योंकि यूनियन टेरिटरीज में जो आपका जनसंख्या घनत्व है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। जैसे दिल्ली में भी जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है, एरिया जितना है उसके उससे ज्यादा लोग वहां पर निवास करते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, सबसे पहले तो बिहार का जनसंख्या घनत्व। अब जो है वो भारत में पहला स्थान है जनसंख्या घनत्व में बिहार का। दूसरा स्थान किसका है, वेस्ट बंगाल का है, जहां पर 1029 है। यदि यूनियन टेरिटरीज को भी मिला दिया जाए, केंद्र शासित प्रदेशों को भी मिला दिया जाए, तो भारत में स्थान आ जाएगा बिहार का छठा। और बिहार की यदि बात करें तो सर्वाधिक है शिवहर में और सबसे कम है कैमूर में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। द लोएस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज गुड्डा, गुमला, अररिया, लोहरदगा। देखिए ये जो है गुड्डा है, गुमला है, लोहरदगा है, ये सब झारखंड का जिला है, ठीक है। तो ये बहुत पहले का क्वेश्चन है, 2000 से पहले का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उस समय के लिहाज से देखें तो लोहरदगा आंसर हो जाएगा। अभी की यदि बात करें तो अभी जो है वो शेखपुरा हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, ये है शेखपुरा, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो है, मैक्सिमम जो है वो है पटना, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। द तराई रीजन ऑफ बिहार इज स्प्रेडेड इन छोटा नागपुर पठार के उत्तरी कगार के समानांतर, भारत नेपाल सीमा के समानांतर, रोहतास पठार के पूर्वी कगार के समानांतर, या फिर राजमहल पहाड़ियों की पश्चिमी सीमा के समानांतर। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भारत नेपाल सीमा के समानांतर। जी हाँ, भारत नेपाल सीमा के समानांतर बिहार का तराई प्रदेश पाया जाता है, ठीक है। जो कि आपका ये शिवालिक का श्रेणी है ना, शिवालिक का श्रेणी है, जिसको हिमालय का पर्वत पादीय क्षेत्र कहते हैं, उसी के समानांतर आपका ये जो है तराई प्रदेश विस्तृत है, ठीक, याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। और बिहार का मैप यदि आप लोगों ने देखा होगा, बिहार का भौगोलिक परिचय यदि पढ़ा होगा तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं। यदि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है और ध्यान से पढ़ना चाहते हैं तो एक चैनल है बीपीएससी बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, ठीक है। ये पूरा लिखिएगा, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, ये चैनल है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ही, जिस पर आपको कंप्लीट मैंने भौगोलिक विस्तार बिहार का बताया है मैप के साथ, ठीक है। तो वहां जाकर के जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर के जंगल हैं सदाबहार, पतझर, सवाना या फिर कांटेदार। अब इसमें से सही उत्तर चुनना है, एक और दो, केवल दो, दो और तीन और केवल चार। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहां पर हो जाएगा सी, मतलब दो और तीन। कहने का मतलब कि पतझर भी है और सवाना भी है। छोटा नागपुर के जंगल कैसे हैं, सवाना पतझर वन है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। बिहार में लौह अयस्क निकाला जाता है लोहरदगा से, दुमका जिला से, धनबाद जिला से, या फिर सिंहभूम जिला से। देखिए यहां पर यदि हम लोग बात करें तो सिंहभूम जिला से पहले निकाला जाता था, क्योंकि झारखंड जो था वो शामिल था यहाँ पर, तो सिंहभूम भी झारखंड में है। ये चारों जिले जो है वो अभी भी झारखंड में ही है, ठीक है। तो झारखंड अलग नहीं हुआ था तो सिंहभूम जिला होता था। अभी यदि देखें तो अब लोहा अयस्क बिल्कुल ही नहीं मिलता है बिहार में, ठीक है, बिहार में लोहा नहीं पाया जाता। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है हमारा, छोटा नागपुर पठार की प्रमुख फसल कौन सी है, व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू, चावल, मक्का, दलहन या फिर गेहूं। केवल एक, एक दो, एक और तीन, दो और तीन या फिर दो और चार। छोटा नागपुर पठार की प्रमुख फसल, देखिए यहाँ पर फसल ज्यादा पाया नहीं जाता है, खनिज ज्यादा पाया जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऊबर खाबर प्रदेश है, सिंचाई की अच्छी सुविधा नहीं है, मिट्टी जो है वो उपजाऊ नहीं पाया जाता है उस क्षेत्र में, तो बहुत ज्यादा फसल यहाँ पर उगाया नहीं जाता है। यदि हम बात करें फसल की तो यहाँ पर आपका चावल, चावल केवल एक चावल जो है वो थोड़ा बहुत उगाया जाता है, तो प्रमुख फसल कौन सा हो जाएगा, चावल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार में जूट उद्योग का बेल्ट है। इन बिहार द बेल्ट ऑफ जूट इंडस्ट्री, उत्तर पश्चिमी बिहार का मैदान, उत्तर पूर्वी बिहार का मैदान, बिहार का मध्य दक्षिणी मैदान, या फिर दामोदर नदी घाटी। सही कोड चुनना है, एक और दो, केवल दो, दो और तीन, या फिर एक दो तीन, एक और तीन। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखिए बिहार का यदि बात करें तो जूट
देखिए ये अगर बिहार मान ले तो ये है वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन होता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया कि वेस्ट बंगाल से लगा हुआ जो बिहार का इलाका है उसी इलाके में, इसी इलाके में आपका जूट का उत्पादन ज्यादातर किया जाएगा। तो ये कौन सा इलाका है? नॉर्थ ईस्टर्न इलाका है, उत्तर पूर्व बिहार का है। ठीक है, तो उत्तर पूर्व बिहार का जो मैदान है उसमें पाया जाएगा। तो केवल दो यहां पर सही आंसर होना चाहिए। आंसर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिसमें आपका पूर्णिया वगैरह का क्षेत्र आता है। ठीक है, कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार द्वारा उत्पादित किया जाता है? व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल मिनरल प्रोडक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय बिहार? ये कब की बात की जा रही है? जब झारखंड संयुक्त था तब की बात की जा रही है। तो उस समय के हिसाब से लगभग 36%, लगभग 60%, लगभग 16% या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उस समय के हिसाब से यदि देखें तो यहां पर जो आंसर सही होगा वो उस समय के हिसाब से हो जाएगा लगभग 36%। लेकिन अब जो है वर्तमान में मात्र 3% खनिज जो है वो बिहार में पाया जाता है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बिहार की कुल खेती योग्य भूमि का कितना प्रतिशत सिंचित है? 50%, 40-50%, 30-40% या फिर 30% से कम? तो उस समय के हिसाब से यदि देखें जब झारखंड संयुक्त था उस समय के हिसाब से देखें तो यहां पर 30-40% हो जाएगा। अब की यदि बात करें, वर्तमान की यदि बात करें तो यहां पर हो जाएगा कितना, यहां पर 80.47% जो है वो अब हो गया है। ठीक है, ये लेटेस्ट आंकड़ा बता रहा हूं इकोनॉमिक सर्वे से। ठीक है, तो 80.47% भाग जो है वो सिंचित है, खेती योग्य भूमि का इतना परसेंट भाग सिंचित है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है बिहार में कौन से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थान औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं? इन बिहार विच इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल हेल्प? वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक, विस्कोमान, बिहार राज्य वित्त निगम या फिर भारतीय स्टेट बैंक? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बिहार राज्य वित्त निगम। ठीक है, इसकी स्थापना जो है वो 1954 में की गई थी, याद रखिएगा 1954 में बिहार राज्य वित्त निगम की स्थापना की गई थी, बिहार स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं, जयप्रकाश नारायण किस संदर्भ में राष्ट्रीय नेता के रूप में पहचाने जाते हैं? इन विच कॉन्टेक्स्ट जयप्रकाश नारायण रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल लीडर? भारत छोड़ो आंदोलन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की नींव डालने के लिए, भूदान आंदोलन के लिए, या फिर कांग्रेस के सदस्य कार्यकारी परिषद के रूप में एज ए मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ कांग्रेस? देखिए यहां पर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की नींव जो है वो जयप्रकाश नारायण ने डाली थी, लेकिन ये सही है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की नींव डाली थी, लेकिन राष्ट्रीय नेता के रूप में पहचान कब मिली? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय नेता का दर्जा मिला। तो यहां पर सही आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1857 के विद्रोह से बिहार के कौन से हिस्से प्रभावित नहीं हुए? विच पार्ट ऑफ द बिहार और बिहार वॉज नॉट इंपैक्टेड बाई 1857 रिवॉल्व? तो दानापुर, पटना, आरा या मुजफ्फरपुर या फिर मुंगेर? फोर दिया हुआ है, फोर एंड फाइव, केवल फाइव, केवल चार या फिर तीन, चार, पांच? देखिए दानापुर में तो हुआ ही था, दानापुर में ही जो है वीर कुंवर सिंह से दानापुर छावनी के जो सैनिक थे वो लोग विद्रोह करके और फिर चले गए थे वीर कुंवर सिंह के पास मिलने। ठीक है, पटना में हुआ ही था, पटना और दानापुर ज्यादा दूर भी नहीं है, आरा में भी हुआ था, आरा तो जानते ही हैं, आरा से तो नेतृत्व ही था वीर कुंवर सिंह का, और मुजफ्फरपुर में भी हुआ था। मुंगेर जो था, मुंगेर प्रभावित नहीं हुआ था, तो केवल पांच। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, गौ हत्या निषेध के लिए बिहार में गो रक्षिणी सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? विच ईयर गो रक्षिणी सभा वाज एस्टैब्लिश्ड इन बिहार टू प्रोहिबिट काउ स्लॉटरिंग? 1877, 1882, 1893 या फिर 1897? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि 1882। 1882 में स्थापना की गई थी किसके द्वारा? महर्षि दयानंद सरस्वती। देखिए दयानंद सरस्वती और सहजानंद सरस्वती अलग अलग है, तो आप दोनों को मिक्स मत करिएगा। ठीक है, यहाँ पर दयानंद सरस्वती जी हैं जिन्होंने गोरक्षिणी सभा की स्थापना की थी। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट है, उड़ीसा किस वर्ष बिहार से अलग हुआ था? विच ईयर उड़ीसा वाज सेपरेटेड फ्रॉम बिहार? 1930, 1902, 1990, 1937। तो पिछले वीडियो में पहला ही क्वेश्चन था, देखिए 1935 में आया था अधिनियम, भारत शासन अधिनियम आया था, और उसी के फलस्वरूप जो है 1937 में अलग किया गया था बिहार को उड़ीसा से, 1937 में, याद रखिएगा। ठीक, वैसे यदि हम लोग ढंग से देखें, सही से देखें, तो ये कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 1936 होना चाहिए।
ठीक है 1936 होना चाहिए, लेकिन 1937 में प्रांतीय चुनाव भी हुए थे, तो यहाँ पर 1937 या तो मार दीजिए, यदि इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो 1937 मारिए, वरना जो सही ऑप्शन होगा वो 1936 ही होगा। तो या तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऑप्शन ही सारा गलत है, या फिर अगर कोई एक चुनना हो तो 1937 आप चुन सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। छोटा नागपुर किरायेदारी अधिनियम पारित किया गया था, कब पारित किया गया था ये क्वेश्चन है, 1908 में, 1902 में, 1936 में या फिर 1875 में। ये क्या है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1908 में, 1908 में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पारित किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार में उत्पादन में चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है, गेहूं, मक्का, ग्राम या फिर आलू। ग्राम मतलब चना, यहाँ पर चना होना चाहिए, गेहूं, मक्का, चना या फिर आलू हो जाएगा क्या, यहाँ पर गेहूं हो जाएगा। चावल के बाद सबसे ज्यादा क्या उपजाया जाता है, गेहूं उपजाया जाता है, और चावल और गेहूं दोनों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है, रोहतास जिले में किया जाता है, ये भी याद रखिएगा, ये लेटेस्ट आंकड़े के हिसाब से मैं बता रहा हूं। चलिए आगे देख लेते हैं। आजादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है, आफ्टर इंडिपेंडेंस इरिगेटेड एरिया इन बिहार इज इंक्रीज्ड टू, दो गुना, टू टाइम्स, चार गुना, पांच गुना, दस गुना, कितना बढ़ा है ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 10 गुना बढ़ा है। जी हाँ, 10 गुना बढ़ा है। आजादी के समय जो थी क्षमता वो थी 4 लाख हेक्टेयर की, ठीक है, और अब जो हो गया है वो है आपका 80.47। तो 2019-20 के बारे में बता रहा हूं, 2019-20 की बात करें तो अब जो है 80.47 लाख हेक्टेयर है, तो ये जो है आपका 20 गुना से भी अधिक हो गया, लेकिन चूंकि ऑप्शन में 10 गुना दिया हुआ है तो ऑप्शन के हिसाब से 10 गुना ही चुनेंगे, और ये बहुत पहले का दिया हुआ है इसलिए ये 2019-20 का आंकड़ा है लेटेस्ट वाला, तो अब जो है 20 गुना से भी अधिक हो गया है, तो अब ये क्वेश्चन पूछा जाए और 20 गुना ऑप्शन हो तो आप 20 गुना मारिए। चलिए, छोटा नागपुर में प्राथमिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी, इन छोटा नागपुर इन प्राइमरी लेवल द इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन, कृषि पर, वन पर, खनिज पर या फिर उद्योगों पर। देखिए यहाँ पर सही बताएं तो कृषि कार्य तो हो नहीं सकता, छोटा नागपुर का पठार जो है पठारी इलाका है, पत्थर कंकर वगैरह बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, मिट्टी उतनी उपजाऊ होती नहीं है, तो इस पर तो होगा नहीं। खनिज जो है वो जरूर पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में उद्योगों का विकास नहीं हुआ है। खनिज को निकालने के लिए जो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए होता है वो भी तो चाहिए होगा ना, जब टेक्नोलॉजी होगा तभी तो भारी मात्रा में खनिज का उत्पादन होगा, खनिज का उत्पादन होगा तभी तो उससे पैसा आएगा, तभी तो अर्थव्यवस्था चलेगी, तो उसका भी उपाय नहीं था, और उद्योग भी जो है बहुत ज्यादा तेजी से विकसित नहीं हुए थे, इसलिए वन पर आधारित थी यहाँ पर अर्थव्यवस्था। 107 का हो जाएगा क्या, आपका बी हो जाएगा, कृषि उद्योग एवं खनन का विकास जो है वो तकनीक के अभाव में नहीं हो पाया था। चलिए, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सोमेश्वर श्रेणी सोमेश्वर सीरीज ऑफ बिहार इज, यहाँ पर क्वेश्चन है, सीरीज नहीं होना चाहिए, यहाँ पर सोमेश्वर रेंज होना चाहिए, सोमेश्वर सीरीज नहीं, सोमेश्वर रेंज ऑफ बिहार इज, पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी, राजमहल पहाड़ी से पुरानी, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी या फिर इन सबसे नई। ठीक है, 108 का यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे नई, क्यों, क्योंकि यह जो है सोमेश्वर श्रेणी जो है वो शिवालिक का भाग है, और शिवालिक जो है वो आपका हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है। ठीक है, हिमालय जो है वो न्यू फोल्ड माउंटेन है, हाल ही में उसका निर्माण हुआ है, तो यह जो है आपका सबसे नया हो जाएगा। ठीक है, 108 हो जाएगा सबसे नया, सोमेश्वर और शिवालिक जो है दोनों का निर्माण कब हुआ है, प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, किस काल में, प्लीस्टोसीन काल में हुआ। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार में दामोदर नदी बहती है, बिहार में दामोदर नदी बहती है, अब तो नहीं बहती है, पहले बहा करती थी जब झारखंड संयुक्त हुआ करता था, तो एक करस्ट क्षेत्र, एक फॉल्ट क्षेत्र, एक जलोढ़ क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। अब इसमें जो है आपका 109 का आंसर यदि देखें तो एक फॉल्ट गर्त में होगा। ठीक है, फॉल्ट ट्रफ में, यह आपका भ्रंश घाटी, इसको क्या कहा जाता है अंग्रेजी में, भ्रंश घाटी कहा जाता है, तो भ्रंश घाटी से होते हुए दामोदर नदी जो है वो बहती है, छोटा नागपुर पठार से इसकी उत्पत्ति होती है, पिछले वीडियो में भी बताया था मैंने, छोटा नागपुर पठार से इसकी उत्पत्ति होती है और फिर ये झारखंड होते हुए बंगाल में जाती है, जहां पर इसको बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, और इसकी सहायक नदी कौन सी है, बराकर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र के वन का प्रतिशत है, मतलब परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार इज 17%, 23%, 27% या फिर 33%। यदि हम लोग बात करें तो वर्तमान, ये जो पूछा जा रहा है ये उस समय के हिसाब से पूछा जा रहा है जब क्वेश्चन ये पूछा गया था। ठीक है, तो उस समय के हिसाब से ये ऑप्शन दिया जा रहा है,
तो यहां पर यदि हम लोग देखें तो आंसर हो जाएगा 17%, ठीक है, उस समय के हिसाब से 17% हो जाएगा, लेकिन लेटेस्ट आंकड़ा देखें तो 7.84% है, जो कि मैं पिछले वीडियो में भी बताया था, 7380.79 किलोमीटर स्क्वायर, ये जरूर याद रखिएगा, टोटल वन क्षेत्र, ठीक, प्रतिशत 7.84%। अब यहां पर जो है आपका झारखंड भी इंक्लूडेड था, झारखंड में वन ज्यादा है, तो टोटल मिलाकर के 17% हुआ करता था, ठीक है, तो आप समझ सकते हो बहुत ही कम है। और ये जो है आपका आइडियल इकोलॉजिकली बैलेंस होने के लिए कितना होना चाहिए, तो 33% होना चाहिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं, बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है, इन बिहार हेवी मशीन प्लांट इज सिचुएटेड एट जमशेदपुर, बोकारो, बरौनी या फिर रांची। देखिए जमशेदपुर, बोकारो, रांची, ये तीनों कहां पर है, तीनों ही झारखंड में है, तो ये भी क्वेश्चन जो है वो 2000 से पहले का ही है, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, रांची, जो आपका हेवी मशीन प्लांट जो है वो आपका रांची में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा, जिसको क्या कहा जाता है, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका नाम था, ठीक है, 1958 में इसकी स्थापना की गई थी रांची में, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, मूरी किसके लिए प्रसिद्ध है, मूरी जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, मूरी इज फेमस फॉर बॉक्साइट खान, बॉक्साइट माइंस, एलुमिना प्लांट, शराब संयंत्र या फिर स्पंज लोहे का पौधा, ठीक है, स्पंज आयरन, सॉरी ये आयरन प्लांट लोहे का पौधा नहीं होगा, यहाँ पर लौह संयंत्र होगा, लौह संयंत्र, ठीक है, लौह संयंत्र, कभी कभी हिंदी जो गूगल ट्रांसलेट करता है ना बड़ा अजीब कर देता है ना। चलिए देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा लौह संयंत्र। अब यदि यहाँ पर आंसर की बात करें तो यहाँ पर मूरी में क्या है, एलुमिना प्लांट है, ठीक है, एलुमिना प्लांट है, याद रखिएगा, ठीक है, और किसका है ये मूरी जो है, सबसे पहले तो याद रखिए कि मूरी जो है वो आपका झारखंड में है, ठीक है, मूरी कहाँ है, झारखंड में है, यहाँ पर एलुमिना प्लांट है, किसका, हिंडाल्को का, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, हिंडाल्को का एलुमिनियम संयंत्र है, ठीक, और एलुमिना जो है वो एलुमिनियम का ओर होता है, ये आपको पता ही होगा, Al2O3 एलुमिना होता है, ठीक है। चलिए तो आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार में मैथन उत्पादित करता है, इन बिहार मैथन प्रोड्यूसेस, मैथन एक जगह है जो कि क्या उत्पादित करता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तापीय ऊर्जा, जल बिजली, परमाणु ऊर्जा या फिर सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा तो उस समय उतना हुआ नहीं करता था, यहाँ पर मैथन जो है ये क्या उत्पादित करता है, ये आपका जल बिजली उत्पादित करता है, ठीक है, मैथन जो है एक प्रकार का एक बांध भी है, ठीक है, मैथन जो है वो बांध है, ठीक है, जो कि आपका बराकर नदी पर है, कहां पर है, बराकर नदी पर है, जो कि कौन है, दामोदर की सहायक नदी है, दामोदर नदी की सहायक नदी है बराकर, ये पहले भी बताया हूं, ठीक है, तो याद रखिएगा, और ये कहां पर है, मैथन बांध जो है वो कहां पर है, धनबाद में, ठीक है, धनबाद में है, तो ये भी झारखंड से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक। चलिए, भारत में बिहार सबसे अग्रणी उत्पादक है, इन इंडिया बिहार इज फोर्थ मोस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीसा, मैंगनीज, अबरख, चूना पत्थर, तो यहां पर यदि हम लोग उस समय के हिसाब से देखें 114 का आंसर हो जाएगा अबरख, उस समय झारखंड भी हुआ करता था, तो अबरख जो है का प्रमुख उत्पादक हुआ करता था, लेकिन अब की यदि बात करें तो अब जो है चूना पत्थर का प्रमुख उत्पादक है बिहार, चूना पत्थर का प्रमुख उत्पादक है बिहार, इसके अलावा पाइराइट जो है उसका 94% उत्पादन जो है वो बिहार करता है, ठीक है, और अब यदि बात करें तो झारखंड जो है वो अबरख उत्पादन में झारखंड जो है वो तीसरे स्थान पर पहुंच गया है, पहले स्थान पर कौन है, पहले स्थान पर यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, और दूसरे स्थान पर कौन है, राजस्थान है, ठीक है, तो याद रखिएगा, अबरख उत्पादन में प्रथम स्थान पर आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर राजस्थान, तीसरे स्थान पर झारखंड, ठीक, उस समय के हिसाब से आंसर यहां पर अबरख होगा, लेकिन अब के हिसाब से देखें तो चूना पत्थर होगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, 115 नंबर क्वेश्चन क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय विश्व में क्यों प्रसिद्ध था, व्हाई वाज नालंदा यूनिवर्सिटी फेमस फॉर इन द वर्ल्ड, चिकित्सा विज्ञान के लिए, दर्शन के लिए, बौद्ध धार्मिक दर्शन के लिए या फिर रसायन विज्ञान के लिए, तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो पहले नालंदा महाविहार हुआ करता था, बौद्ध धार्मिक दर्शन वहां पर सिखाया जाता था, जहां पर वेन सांग है या फिर इत सिंह है, ये सब जो है चीनी यात्री वहां पर जाकर के नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई किए थे, ठीक है, तो ये कौन हो जाएगा, बौद्ध धार्मिक दर्शन। अच्छा, कमेंट में लिखिएगा, इतिहास में मैंने बताया था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, ठीक है, ये जरा कमेंट में बताइएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, 116 नंबर क्वेश्चन,
यह हमारा दोष होगा अगर हम बिहार के लोगों और उसकी सरकार को हिंसा और लीग के नेता के असभ्य हमलों के सामने असुरक्षित छोड़ देते हैं। वर्ष 1946 में यह किसने बताया था, किसने कहा था? इट विल बी आवर ब्लंडर इफ वी लीव पीपुल ऑफ बिहार एंड देयर गवर्नमेंट अनसेफ बिफोर द वायलेंस एंड अनसिविलाइज्ड अटैक्स ऑफ लीग लीडर। लीग का मतलब यहाँ पर मुस्लिम लीग से है। इन द ईयर 1946 हु टोल्ड दिस? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या फिर सरदार पटेल? यहाँ पर क्या हो जाएगा? सरदार पटेल सही आंसर हो जाएगा। 116 का डी याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 117 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पिछला वीडियो में भी था ये क्वेश्चन। खान बहादुर खान, कुंवर सिंह, तात्या टोपे या फिर रानी रामकुमारी? ये हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है और हर साल सेम आंसर होगा कुंवर सिंह। जितना बार भी पूछा जाए सेम आंसर कुंवर सिंह। बिहार से नेतृत्व कुंवर सिंह। चलिए, पटना से नेतृत्व कुंवर सिंह, जगदीशपुर से नेतृत्व कुंवर सिंह। किस किसान आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भाग लिया था? इन विच पीजांट मूवमेंट महात्मा गांधी हैड पार्टिसिपेटेड द फर्स्ट टाइम? खेरा, चंपारण, बारदोली, बड़ौदा? तो यहाँ पर चंपारण में भाग लिया था पहली बार, ठीक है। कब? 1917 में। किसने आमंत्रित किया था? राजकुमार शुक्ल ने, ठीक है। ये सब चीजें आपको एकदम मुंह जवानी होनी चाहिए, जरा भी भूलने वाला चीज ये सब नहीं है। कौन सी पद्धति के खिलाफ लड़े थे? तीन कठिया पद्धति। क्या है, कितना लिया जाता था इसमें? 3/20 लिया जाता था, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक। 118 का बी, ओके, चंपारण। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले बिहार के नेता कौन थे? हु वाज द लीडर ऑफ बिहार वुम लेट किसान मूवमेंट विद महात्मा गांधी? बाबा रामचंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, रफी अहमद किदवई? तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? 119 का हो जाएगा सी, राजकुमार शुक्ल। कौन कौन थे इनके साथ? तो राजकुमार शुक्ल थे और साथ में थे कौन? धरणीधर। नाम याद रखिएगा, एक दो नाम और बता देता हूँ। धरणीधर भी थे और साथ में राम नवमी प्रसाद भी थे, ठीक है, राम नवमी प्रसाद, ठीक। ये सब जो है नाम पूछ दिया जाता है कभी कभार बिहार स्पेशल में, जो कि याद नहीं रहता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, धरणीधर, रामनवमी प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, ये सब जो थे गांधी जी के साथ थे जब वो किसान आंदोलन का नेतृत्व किए थे चंपारण में। आगे, चंपारण आंदोलन से कौन नहीं जुड़ा था, ये क्वेश्चन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जेबी कृपलानी या फिर जयप्रकाश नारायण? आप जानते हैं कि डॉक्टर ये जेपी जो है वो आपके असहयोग आंदोलन से जुड़े थे, तो असहयोग आंदोलन से जुड़े थे। उस समय उन्होंने अपना पढ़ाई छोड़ दिया था, ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान जुड़े थे। और सबसे ज्यादा प्रसिद्धि जो इनको मिली थी वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये राष्ट्रीय नेता बन गए थे, ठीक है। और उसके बाद तो खैर इंदिरा गांधी के खिलाफ जो इन्होंने आंदोलन किया, छात्र आंदोलन, तो उसके कारण तो ये खैर बुढ़ापे में भी आज भी इनको जाना जाता है, भारत रत्न भी दिया गया बाद में। चलिए आगे देख लेते हैं। बेगूसराय में चौकीदारी कर के खिलाफ आंदोलन एक प्रेरणा थी। मूवमेंट अगेंस्ट चौकीदारी टैक्स इन बेगूसराय वाज अ स्पर ऑफ असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर खिलाफत आंदोलन? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका सविनय अवज्ञा आंदोलन। जी हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही ये हुआ था, ठीक, याद जरूर रखिएगा। और ये कहाँ हुआ था? सारण जिला के बिहोर में यह हुआ था सबसे पहले, ठीक। सबसे पहले कहाँ पर हुआ? सारण जिला के बिहोर में ये चौकीदारी करके खिलाफ आंदोलन हुआ। और बाद में बेगूसराय में हुआ था, जो कि कहाँ पड़ता था उस समय? बेगूसराय उस समय पड़ता था मुंगेर जिला में, ठीक है। तो हो सकता है बेगूसराय ना पूछे, मुंगेर जिला पूछ दे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शाहाबाद, गया और पटना जिले में गौ रक्षा के मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम के बीच भयानक झगड़ा कब हुआ था? There was a terrible feud between Hindu Muslim on the issue of cow protection in Shahabad Gaya and Patna district occurred in the year 1917, 1919, 1939, 1946। जिस साल चंपारण सत्याग्रह हुआ था उसी साल यह भी हुआ था, दंगा भी हुआ था। तो ये याद रखने के लिए आप फॉर्मूला अपना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1908 के छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट ने किस पर प्रतिबंध लगा दिया था? द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट ऑफ 1908 हैड बैंड वन उत्पाद पर आधारित स्वतंत्र उद्योग, जंगल का जलना, बेच बेगारी या फिर खुरकट्टी लैंड सिस्टम? किस पर रोक लगाया था? बेच बेगारी पर। बेगारी पर यानी कि जो बेगारी खटवाया जाता था। बेगारी कहने का क्या मतलब? बलात्श्रम। इसको क्या कहा जाता है? बलात्श्रम कहा जाता है, मतलब जबरदस्ती काम करवाया जाता है, ठीक है। बेगारी कहने का क्या मतलब? कि मान लिया कि आपको आपके दादा परदादा ने किसी जमींदार से उधारी लिया, कर्ज लिया है, तो फिर
उसका बेटा, उसका पोता और बाकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो तब तक उसके यहाँ फ्री में काम करेगा जब तक कि वो कर्ज सधा नहीं दिया जाता, मतलब कर्ज लौटा नहीं दिया जाता। तो इसको कहा जाता है भेंट भिखारी। ठीक है, तो ये जो आपका छोटा डाकू टेनेंसी एक्ट आया था इसने भेंट भिखारी पर रोक लगा दिया था और खुरकट्टी जो लैंड सिस्टम था इसको मान्यता दे दी गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। किस वर्ष बिहार को ब्रिटिश प्रशासन के शासनकाल में अलग प्रांत का दर्जा मिला? विच ईयर बिहार गॉट अ स्टेटस ऑफ सेपरेट प्रोविंस इन द रीजन ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन? 1905, 1912, 1936 या फिर 1946? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1912। जी हाँ, अलग प्रांत का दर्जा यदि पूछा जाए, अलग प्रांत का दर्जा पूछा जाए तो 22 मार्च 1912 को। ठीक है, और अलग स्वतंत्र राज्य का दर्जा पूछा जाए तब आपका 1 अप्रैल 1936 को। ठीक है, ये दोनों में अंतर है, दोनों क्वेश्चन भी पूछा जाता है बार बार, तो दोनों याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में किस वर्ष आयोजित की गई थी? द फर्स्ट सिटिंग ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज हेल्ड इन पटना इन ईयर 1921, 1934, 1937 या फिर 1939। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1934। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कौन अध्यक्ष इसके कौन थे। अध्यक्ष जो थे वो थे नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे। और सचिव कौन थे? सचिव थे जेपी कौन थे? सचिव थे। ठीक, याद रखिएगा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। पिछले वीडियो में बताया हूं तो डिटेल में नहीं बताऊंगा। आगे, बिहार में एक अलग प्रांत के लिए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार और उड़ीसा एक नए प्रांत बने? हु लीड द मूवमेंट फॉर अ सेपरेट प्रोविंस इन बिहार दैट रिजल्टेड इन अ न्यू प्रोविंस ऑफ बिहार एंड ओडिशा इन 1911? सच्चिदानंद सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिंह, जेपी कृपलानी या फिर बिरसा मुंडा? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका सच्चिदानंद सिन्हा। जी हाँ, सच्चिदानंद सिन्हा ने यह किया था, SN सिन्हा जिनको कहा जाता है। ठीक है, अब इनके साथ कौन कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, नंद किशोर लाल तथा श्री कृष्ण सहाय। ठीक है, इन सब ने मिलकर के 1894 में जो है पटना से एक समाचार पत्र निकाला था जिसका नाम था बिहार टाइम्स या फिर बिहारी। ठीक है, किसने निकाला था ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन चूंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए सारा नाम लिखना जरूरी है, ये नाम जरूर लिख लीजिएगा, बहुत जगह नहीं मिलेगा। सच्चिदानंद सिन्हा तो है ही, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा तो है ही, लेकिन इनके साथ कौन कौन थे? इनके साथ थे महेश नारायण। ठीक है, इसके अलावा कौन थे आगे? नंद किशोर लाल, ये सब नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये पूछा जाएगा बार बार। ठीक, और साथ में श्री कृष्ण सहाय है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था यहाँ पर? बिहारी टाइम्स या फिर बिहारी नाम से समाचार पत्र निकाला था पटना से 1894 में, और उसी के संपादक कौन थे? महेश नारायण थे। ठीक है, महेश नारायण जो थे उसके संपादक थे। इनका एक और नाम था महेश नारायण या फिर बाबू महेश्वर प्रसाद। ठीक है, बाबू महेश्वर प्रसाद भी इनको कहा जाता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बाबू महेश्वर प्रसाद भी इनको कहा जाता है। ठीक है, अब इन्होंने ही बिहार के पृथककरण की मांग सबसे पहले की थी। ठीक है, याद जरूर रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर यदि हम लोग बात करें तो 1908-09 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत के राज्यों की सीमा की संख्या जो बिहार को छूती है, कितने ऐसे राज्य हैं जो बिहार की सीमा को छूते हैं, ये क्वेश्चन है। 4, 6, 5 या फिर 7। देखिए, बिहार की यदि बात करें तो उत्तर में तो नेपाल है, तो ये कोई राज्य तो है नहीं, तो उत्तर छोड़ दीजिए। इधर की बात करें, अगर हम लोग पूरब की बात करें तो इधर जो है पश्चिम बंगाल है। इधर की बात करें तो यहाँ पर दक्षिण में झारखंड है। ठीक है, और इधर की बात करें, पश्चिम की बात करें तो इधर है यूपी। ठीक है, तो टोटल तीन ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा बिहार को टच करती है। ठीक है, लेकिन उस समय ये जो पूछा जा रहा है, ये झारखंड के टाइम का पूछा जा रहा है, तो उस समय जो है आपका चार हुआ करता था। ठीक है, उस समय चार हुआ करता था, तो याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है, द नेशनल हाईवे व्हिच क्रॉसेस बिहार इज? NH3, NH8, NH22 या फिर NH23? ये जो है आपका 128 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 जो है वो बिहार से होकर जाने वाला राजमार्ग है। अब की यदि बात करें तो अब जो है आपका कौन सब
कौन कौन जाता है, 27EW, ये सब याद रखिए कौन कौन सा जा रहा है, बिहार से होकर के गुजरता है, ये मैं बता रहा हूँ, ये जो है 27EW ये है आपका सबसे लंबा है, ठीक है। इसके अलावा नंबर मैं बता रहा हूँ, 31 हो गया, फिर आपका 33 हो गया, फिर हो गया 231 NH231, फिर आपका 327 जो है वो भी बिहार से गुजरता है, 227 भी बिहार से गुजरता है, NH22 भी बिहार से गुजरता है, NH120 भी बिहार से गुजरता है, NH19GQ भी बिहार से गुजरता है, और टोटल अगर लंबाई देखें NH की तो कितनी है, 5358 किलोमीटर, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा और ये लिस्ट याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं, टिस्को को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है, द आयरन और सप्लाई टू टिस्को फ्रॉम बेलाडीला, क्योंझर, मयूरभंज या फिर सिंहभूम, ये सब जो है आपका बेलाडीला, क्योंझर, मयूरभंज, सिंहभूम, इसमें से कोई भी जो है आपका बिहार में स्थित नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिंहभूम। सिंहभूम कहाँ है, झारखंड में, झारखंड से सिंहभूम से यहाँ पर लौह अयस्क की आपूर्ति होती है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, सबसे बड़ा शहर कौन सा है इनमें से, धनबाद, गया, जमशेदपुर, रांची, जब संयुक्त था उस समय की बात यहाँ पर की जा रही है, तो यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो 130 का आंसर हो जाएगा सी, जमशेदपुर जो था वो सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, ठीक है, जमशेदपुर सबसे बड़ा राज्य सॉरी शहर हुआ करता था उस समय। पहले इसे बंगाल का सोख कहा जाता था, इस नदी का उद्गम बिहार से है, तो अर्लियर इट वॉज कॉल्ड द सोर ऑफ बंगाल रिवर ओरिजिनेट्स इन बिहार, बराकर, दामोदर, मयूराक्षी या फिर स्वर्णरेखा। मैंने कितनी बार बताया, दामोदर नदी जो है उसको बंगाल का सोख कहा जाता है और बराकर जो है वो इसकी सहायक नदी है, बराकर जो है वो इसकी सहायक नदी है। अब जो है यह बिहार में नहीं है, दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर पठार से निकलती है, झारखंड से, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, कोयले पर आधारित तीन थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है वो कौन कौन है, चंद्रपुरा पंचायत बरौनी या फिर आपका बोकारो पंचायत चंद्रपुरा, बरौनी चंद्रपुरा संथालडीह या फिर आपका बोकारो चंद्रपुरा संथालडीह। तो ये जो है बिहार और जब झारखंड संयुक्त थे उस समय के हिसाब से क्वेश्चन है, तो उस समय के हिसाब से आपका डी सही हो जाएगा। अब की यदि बात करें तो अभी भी जो है बिहार में तीन है, कौन कौन है, बरौनी है, फिर है आपका बाढ़ है और एक और है कहलगांव, ठीक है, कहलगांव, ये तीन है अब, ये वर्तमान की बात की जा रही है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जातिगत आतंकवादी सेना पर आधारित राजनीति किसमें है, द पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन कास्टीय टेररिस्ट सेना इज इन, देखिए यहाँ पर रणवीर सेना की बात की जा रही है और ये आतंकवादी सेना नहीं थी, तो ये शब्द जो है टेररिस्ट सेना ये गलत यूज किया जा रहा है, लेकिन खैर जो भी है, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तो ये जो है आपका बिहार में हुआ करता था रणवीर सेना, और जातिगत आधार पर अन्य भी जो है दल हुआ करते थे, ठीक है, सेना और बाकी ग्रुप हुआ करते थे। बिहार में इस्पात संयंत्र का केंद्र स्थित है, सेंटर ऑफ स्टील प्लांट इन बिहार सिचुएटेड एट, धनबाद, रांची, मिथिला, बोकारो और जमशेदपुर, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका डी, बोकारो और जमशेदपुर, ठीक है, ये आपका जब दोनों संयुक्त थे तब की बात है, 2000 से पहले का क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टील प्लांट कहाँ है, बोकारो और जमशेदपुर में। बिहार में मानसिक शरण किस स्थान पर स्थित है, द ल्यूनेटिक एसाइलम इन बिहार इज सिचुएटेड एट, मेंटल, पागलखाना की बात यहाँ पर की जा रही है, धनबाद, नालंदा, पटना और रांची, जो बिहार के होंगे या झारखंड के बराबर कहा जाता है, कोई अगर उल्टी पुल्टी बात करता है तो उसको बोला जाता है कि रांची के बस का टायर सुंघा दे क्या, तो कहने का मतलब है कि रांची में पागलखाना है, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 135 का हो जाएगा डी। चलिए आगे देख लेते हैं, 136, बिहार में 1857 का विद्रोह का केंद्र 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक था, रामपुर में, हमीरपुर में, धीरपुर में या फिर जगदीशपुर में, द नर्व सेंटर ऑफ 1857 रिवोल्ट इन बिहार फ्रॉम 15th of July 1857 टू 20th of January 1858 वाज सेंटर्ड अराउंड, कहां पर था, जगदीशपुर में था, जी हाँ जगदीशपुर में था, क्योंकि कुंवर सिंह का नेतृत्व उस समय चल रहा था बिहार में, ठीक है, और इसी दौरान जो है शाहबाद में कुंवर सिंह ने अपनी सरकार की घोषणा की थी, और इनका जो लड़ाई हुआ था वो युद्ध हुआ था वो किससे हुआ था, विलियम टेलर, विलियम टेलर और विंसेंट आयर इन दोनों से इनका युद्ध हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, हौज विद्रोह के मध्य हुआ था, मतलब हौज विद्रोह कब हुआ था ये पूछा जा रहा है, हौज रिवोल्ट अकर्ड बिटवीन 1620 से 21, 1720 से 21, 1820 से 21 या फिर 1920 से 21, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका सी,
1820-21, ठीक है। और ये कहाँ हुआ था? संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था, संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। छोटा नागपुर क्षेत्र भी इसको कहा जा सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जगदीशपुर के राजकुमार कौन थे? हु वाज द प्रिंस ऑफ जगदीशपुर? नाना साहब, तात्या तोपे, लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह। देखिए इन तीनों में नाना साहब कानपुर के, तात्या तोपे उन्हीं के सहयोगी, लक्ष्मीबाई झांसी की, एकमात्र बिहार से कौन? कुंवर सिंह। और जगदीशपुर के राजकुमार कौन हो जाएंगे? कुंवर सिंह हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। रामविलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सक्रिय सदस्य थे जो किस जिले से संबंधित थे? रामविलास सिंह वाज एक्टिव मेंबर, एन एक्टिव मेंबर ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक, बिलोंग्स टू डिस्ट्रिक्ट जमशेदपुर, दरभंगा, पटना या फिर मुंगेर। कहां से थे रामविलास सिंह, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मुंगेर से, ठीक है। रामविलास सिंह कहां से थे? मुंगेर से थे, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। दो नेताओं को 6 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। टू लीडर्स फ्रॉम हजारीबाग वर अरेस्टेड ऑन 6 अगस्त 1942, देवर रामलाल और देवीलाल, नारायण सिंह और सुखलाल सिंह, रामनाथ और देवीनाथ, शिव कुमार और रामानंद। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पर शिव कुमार और रामानंद। ये दोनों भी जो है वो हजारीबाग जेल से फरार हुए थे जेपी के साथ, जयप्रकाश नारायण के साथ, लेकिन इनको फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था और पटना ले आया गया था। नाम क्या था? शिव कुमार और रामानंद। चलिए आगे देख लेते हैं। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का क्या नाम था? What was the name of the wife of श्री जगत नारायण लाल? श्रीमती रामप्यारी, श्रीमती सुंदरी देवी, श्रीमती भगवती देवी या फिर श्रीमती मंगला देवी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पर श्रीमती रामप्यारी। जी हाँ, श्रीमती रामप्यारी श्री जगत नारायण लाल जी की पत्नी का नाम था। चलिए आगे देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया और उन्हें कहाँ भेज दिया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज अरेस्टेड ऑन 9 अगस्त 1942 एंड सेंट टू कैंप जेल, हजारीबाग जेल, भागलपुर जेल या फिर बांकीपुर जेल। आंसर क्या हो जाएगा? बांकीपुर जेल हो जाएगा आंसर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया था? जयप्रकाश डे वाज ऑब्जर्व्ड इन जनवरी 1946, फरवरी 1946, 14 मार्च 1946 या फिर अप्रैल 1946। कब मनाया गया था? ये जो है आपका अप्रैल 1946 में मनाया गया था। और दिन भी बता देता हूं, 12 अप्रैल 1946 को यह मनाया गया था, जब लाहौर जेल से जेपी रिहा हुए थे, लाहौर जेल से जेपी नारायण रिहा हुए थे, जयप्रकाश नारायण, तब यह मनाया गया था। आगे, बिहार में गरीबी रेखा से नीचे के अधिकतम लोगों का क्या कारण है? भूमि सुधार की विफलता, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, बड़ी संख्या में श्रमिक वर्ग या फिर ये सभी। व्हाट इज द कॉज ऑफ मैक्सिमम पीपल अंडर बिलो पॉवर्टी लाइन इन बिहार? फेल्यूर ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, लार्ज नंबर ऑफ लेबर क्लासेस या फिर ऑल द एबव। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑल द एबव, ये सभी सभी संयुक्त रूप से कारण है कि बिहार में अधिकतर लोग गरीबी रेखा के नीचे आज भी हैं। चलिए आगे है। मोड वैट जो अप्रैल 2001 से लागू होगा, किसकी जगह लागू होगा? मोड वैट व्हिच विल बी इन इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 2001 रिप्लेसेस, किसको रिप्लेस कर रहा है? बिक्री कर को, सीमा शुल्क को, राज्य उत्पाद शुल्क को या फिर केंद्रीय उत्पाद शुल्क को? ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर यदि हम लोग बात करें, मोड वैट जो होता है वो आपका मोडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स होता है। मोड वैट क्या होता है? मोडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। देखिए एलके झा समिति, एलके झा समिति की सिफारिश पर, एलके झा समिति की सिफारिश पर 1981 में लाया गया था, ठीक है, 1981 में वैट लाया गया था, ठीक है। ये 1981 में एलके झा समिति बनाई गई थी और उसकी सिफारिश पर 1986-87 में सॉरी ये थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो गया, 1986-87 में आपका संशोधित वैट लाया गया था, संशोधित वैट लाया गया था, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक। अब 2001 में इसी को बदल करके सेन वैट कर दिया गया, सेन वैट कर दिया गया, मतलब सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। अब फिर जो है 2005 में आपका लाया गया वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। और 1 जुलाई 2017 को लाया गया आपका जीएसटी, ठीक है। ये जो था आपका मोड वैट जो था वो लाया गया था कब? ये 1986-87 में, जो कि संशोधित वैट था, मतलब वैट का संशोधित रूप था, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। मुंडा जनजातियां अधिकांशतः बसी हैं, मोस्टली मुंडा ट्राइब्स आर रिसाइडिंग इन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम या फिर बिहार। मुंडा जनजातियां कहां, मुंडा विद्रोह कहां हुआ था? बिहार में। अब कहां है? झारखंड में। उस समय के हिसाब से क्वेश्चन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा।
ठीक है, 146 का आंसर क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। चलिए, ये जो है मोस्टली जो है वो झारखंड में पाए जाते हैं, ठीक है, आज के डेट की यदि बात करें तो, और उसके अलावा थोड़ा बहुत जो है वो बिहार में पाए जाते हैं, फिर आपका छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, उड़ीसा में पाए जाते हैं, उड़ीसा में, और उसके बाद वेस्ट बंगाल में भी ये मुंडा पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, 147, सच्चिदानंद सिन्हा किससे जुड़े हुए थे, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। बी देखिए, सच्चिदानंद सिन्हा किस चीज से जुड़े थे, देखिए बिहार के पृथककरण के लिए इन्होंने काम किया था, पृथक बिहार की मांग करने के लिए, बिहार के पृथककरण के लिए इन्होंने काम किया था। इसके अलावा अस्थाई अध्यक्ष बने थे संविधान सभा के, अस्थाई अध्यक्ष बने थे संविधान सभा के, कब, 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, तब ये अस्थाई अध्यक्ष बने थे, ठीक है, तो इन दोनों चीजों के लिए इनको जाना जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए, ये पेज अब समाप्त हो गया, 147 नंबर तक हम लोग पहुंच गए हैं, इसके आगे चलेंगे, बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इस वीडियो के लिए यहीं पर रहने देते हैं, ज्यादा एक साथ करने पर दिक्कत हो जाता है, याद रखने में कठिनाई होती है, ठीक है, तो ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं करते हैं फिलहाल इस वीडियो के लिए, मैं चंद्रवर्धन लेता हूं आपसे इजाजत, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, जय हिंद, वंदे मातरम।